Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Now, question says, in multicellular organisms, refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those parents. बच्चों देखो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो multicellular organisms होते हैं उन पे क्या होता है, उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उनके जो प्रोजेनी होती है प्रोडक्शन के दौरान, मतलब उनकी प्रोजेनी का मतलब कि वो उनके जो बच्चे होते हैं बेबी, ये कह लो चाइल्ड, ये जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, ज़्यादा या कम. तो वो ऐसे सिमिलर क्यों होते हैं हमसे ये पूछ रहा है. तो आप एक बात बताइए, पेरेंट्स से, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से अगर कोई बेबी आ रहा है या फिर चाइल्ड आ रहा है तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आएगा, वो जिस प्रोसेस के थ्रू आएगा उसको अपन कहेंगे रिप्रोडक्शन. क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगा. अच्छा, ऐसा क्या होता है कि पेरेंट से जब रिप्रोड्यूस होता है तो उससे जो नए यंग वंस आते हैं, न्यू चाइल्ड आते हैं, तो उन पर ऐसा क्या हो जाता है? तो इन पर आ जाते हैं क्या? जीन्स. क्या जाते हैं? जीन्स. और ये जीन्स किसके होते हैं? ये जीन्स होते हैं पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट्स के जीन्स किस में जाते हैं? चाइल्ड में. जिसके कारण क्या होता है, वो थोड़े या थोड़े से ज़्यादा सिमिलर देखते हैं जिसके अपने पेरेंट्स के जैसे. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म्स entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़.